इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और ना ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद दोस्तों। अगर आप किसी पे कोर्ट केस करने वाले हो या आपको कोई नोटिस मिला है और कोई आप पे केस करने वाला है, उस स्थिति में तो आप जाते ही हो किसी न किसी एडवोकेट के पास ये सलाह करने के लिए कि ऐसे ऐसे मामला हो गया है, मुझे ऐसा नोटिस मिला है या मुझे सामने वाले को देना है, मेरे साथ ये गलत हो गया है और मुझे इसमें क्या करना चाहिए। ये तो हो गई कोर्ट कचहरी होने से पहले वकील की सलाह। परंतु जितनी जरूरी पहले सलाह लेना है उतना ही जरूरी मेरी नजर में, अगर आपका कोई मुकदमा ऑलरेडी चल रहा है किसी भी कोर्ट में किसी भी रूप में, तो उस मुकदमे में भी अगर आप एक सेकंड लीगल ओपिनियन लोगे, एक किसी अन्य वकील से सलाह मशवरा करोगे, तो उसके भी आपको कई फायदे हो सकते हैं। आप यूं समझिए कि जैसे हमें कोई बीमारी हो जाती है, जब हम बीमार होते हैं, अगर हम जल्दी से ठीक नहीं हो रहे हैं या बीमारी थोड़ी गंभीर है, तो हम एक डॉक्टर को दिखाने की बजाय हम कोशिश करते हैं कि बाद में हम किसी और डॉक्टर का लीगल ओपिनियन भी ले लें, ताकि हमें ये कंफर्मेशन हो जाए कि जो ट्रीटमेंट हमारा किया जा रहा है वो ठीक है या नहीं है, या अगर हमारी हालत में सुधार नहीं हो रहा है तो क्या और कोई ऐसी दवाई है जो दी जा सकती है जिससे कि हमारी हालत में सुधार हो जाए। तो बिल्कुल इसी तर्ज पे आप ये समझ लीजिए कि जो लीगल प्रॉब्लम है वो एक बीमारी की तरह है, और अगर आप एक लीगल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो और एक डॉक्टर यानी एक वकील साहब उसका इलाज कर रहे हैं, तो अगर आप एक अन्य एडवोकेट का भी ओपिनियन ले लेंगे तो उससे कुछ डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट तथ्य, डिफरेंट कानून हो सकता है आपके केस में सामने आए जिससे कि आपको फ़ायदा हो जाए। और मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि पूरे केस को इधर से उधर करने के लिए कोई एक पॉइंट भी काफ़ी होता है, उसके लिए कोई लंबी चौड़ी थीसिस या पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं होती। पूरे केस को कोई एक पॉइंट इधर से उधर कर सकता है। आप एक पॉइंट की वजह से जीता हुआ केस हार सकते हो, जो लग रहा था कि आप जीत जाओगे, और एक केस जो बिल्कुल आप हारने की कगार पे हो, किसी एक पॉइंट से आप जीत भी सकते हो। ये पावर है उस नॉलेज की, उस ज्ञान की, जो सेकंड लीगल ओपिनियन से शायद निकल आए वो पॉइंट। एक अन्य फायदा आमतौर पे ये होता है कि सेकंड लीगल ओपिनियन से आपकी आंखें खुल जाती हैं। पहले वकील साहब ने तो आपको बताया ही होगा कि आपके केस में कितना दम है, कितना कमजोर है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या जीतने के चांस है, क्या हारने के चांस है, क्या हो सकता है। लेकिन कई बार जब सेकंड लीगल ओपिनियन लेते हैं तब आपको अपने ही केस के बारे में और गहराई से पता चलता है। हो सकता है आप भी ऊपर ऊपर से अभी अपने केस को समझ रहे हो, जब आप सेकंड ओपिनियन लेंगे और दूसरे वकील आपको और गहराई से कुछ बातें पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, आप उनके जवाब देंगे, वो केस को पढ़ेंगे, उसके बारे में अपना ओपिनियन देंगे, तो आपकी खुद की समझ अपने केस के बारे में बढ़ेगी, और उससे भी आपको अपने एग्जिस्टिंग केस में अगर आपको कोर्ट में गवाही देनी है या कोई और पेंडिंग काम बचते हैं अभी कोर्ट के, क्योंकि केस के दौरान आप राय लेने गए हो, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। दो चीज़ें मैंने देखी हैं जो सेकंड लीगल ओपिनियन लेने से आमतौर पे क्लाइंट्स को रोकती हैं किसी केस के दौरान। एक चीज़ तो मैंने ये देखी है कि क्लाइंट्स के मन में कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग वकील साहब हैं, जो कि बहुत मेहनत से केस को लड़ रहे हैं, उनको बुरा लग सकता है, उनको बुरा लग जाएगा जब हम उनको बताएंगे हमने किसी अन्य वकील से कोई सलाह मशवरा किया, उनका ये कहना है जो कि आपके इस कहने से थोड़ा डिफर कर रहा है, थोड़ा अंतर आ रहा है बात में। देखो दोस्तों, ये आपका केस है, आपका पैसा या आपकी जान दांव पे लगी हुई है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी स्वतंत्रता, आपका सुख चैन दांव पे लगा हुआ है, जिसके लिए आप एग्जिस्टिंग वकील को भी फीस दे रहे हैं और शायद दूसरे को भी देंगे और शायद जरूरत पड़ने पर तीसरे को भी देंगे। तो अगर आप एक सेकंड ओपिनियन ले रहे हो तो इसमें एज ए प्रोफेशनल किसी भी वकील को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो सही एडवोकेट होंगे, जो सही स्पिरिट और एटीट्यूड में से बात को समझेंगे,
अगर एक और ओपिनियन उस केस में आ रहा है तो उससे आपके एग्जिस्टिंग एडवोकेट को भी हेल्प मिलेगी, उससे हो सकता है कि उसकी नॉलेज भी बढ़े। वकालत एक दिन में नहीं सीखी जाती, वकालत तो सतत लगातार निरंतर सीखते रहने का नाम है, तो उससे उनको भी फायदा होगा, आपको तो होगा ही होगा, आपके वकील साहब को भी फायदा होगा। दूसरी बात यह है जो रोकती है सेकंड लीगल ओपिनियन लेने से, क्लाइंट्स कहते हैं कि हमने जब ये केस डाला था, जब यह केस ये शुरू हुआ था उस समय मैं 10 वकीलों से मिला या मैं इतने वकीलों से मिला और सबने मुझे यही राय दी और इसलिए मैं ऐसा ही कर रहा हूं, या उसी ढर्रे पे उसी लाइन पे उसी स्ट्रेटेजी से ये केस चल रहा है। दोस्तों लॉ एक डायनेमिक फील्ड है, डायनेमिक फील्ड का सरल भाषा में मतलब है जो कल था जरूरी नहीं है वो आज हो, रातों रात यहां पे लॉ बदल जाते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आते हैं जो लॉ को डिक्लेयर करते हैं, कल को किसी चीज की परिभाषा मतलब कुछ और था, एक जजमेंट आने के बाद कुछ और हो जाएगा। तो आपका केस अगर 6 महीने पहले डला था, 1 साल पहले डला था, 2 साल पहले डला था, तो 2 साल पहले जो आपने लीगल ओपिनियन जितने भी वकीलों से लिए हों, जरूरी नहीं है कि वो आज की तारीख में यूं के यूं होल्ड करेंगे, यूं के यूं स्टैंड करेंगे, क्योंकि 2 साल के अंदर लॉ ही बदल चुका होगा। हो सकता है नए जजमेंट आ गए, हो सकता है कोई पुराना लॉ हट गया, हो सकता है कोई नई चीज ऐसी आ गई हो जो आपको फेवर कर रही हो, जो उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एक और परेशानी का सामना करना पड़ता है, एक और दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। जो वकील साहब सेकंड लीगल ओपिनियन दे रहे हैं वो दुविधा की स्थिति में है, वो दुविधा उनके मन में ये है कि अगर मैं सारी बातें पढ़ के सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर इस क्लाइंट को ये बोलूंगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो ठीक है, जो लिखा है वो ठीक है, जो किया जाना चाहिए था वो आपके वकील साहब ऑलरेडी कर रहे हैं, वंडरफुल एक्सेलेंट, और कोई इसमें नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हमारी मानसिक दशा या सोच ये रहती है कि भाई लगता है इन्होंने कोई मेहनत नहीं की या इन्होंने ध्यान से पढ़ा नहीं, और हमने जो इनको फीस दी सेकंड लीगल ओपिनियन देने की वो लगता है बेकार हो गई, इन्होंने कोई नई बात तो बताई नहीं। तो चाहते ना चाहते वो वकील साहब पुराने वकील को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि देखो आपके वकील ने ये गलती कर दी, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, ये गलत हो गया है, ऐसा लिखते तो बेहतर है। देखो दोस्तों, किसी के भी काम में गलती निकालना इस दुनिया में सबसे आसान काम है। आपके जो एग्जिस्टिंग वकील है उन्होंने पूरा मेहनत करके केस को समझ के 4 लोगों से बात करके नॉलेज ग्रहण करके ही उस केस को आगे बढ़ाया होगा। अगर दूसरा ओपिनियन आपने लिया किसी एडवोकेट से और उसने बताया कि हाँ जो लाइन में आपका केस चल रहा है, जो डिफेंस आपने लिए हैं, जो लीगल पोजीशन स्ट्रेटजी आपने क्रिएट करी है केस में वो ठीक है, तो इससे भी आपको एक मानसिक सुकून मिलेगा कि मेरा केस जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है। जब भी आप किसी वकील के पास सेकंड लीगल ओपिनियन के लिए जाएं तो उसको पूरे केस की फाइल लेके जाएं, वहां पर उनको वो डॉक्यूमेंट्स दें, क्योंकि यदि केस के फैक्ट्स उन्हें पूरे नहीं पता होंगे, वो पूरी फाइल को नहीं पढ़ेंगे, आज तक हर तारीख पे जज साहब ने क्या क्या ऑर्डर किया है सारी ऑर्डर शीट्स नहीं पढ़ेंगे, आपने क्या केस बनाया, सामने वाले ने क्या रिप्लाई किया, किस तारीख पे क्या हुआ, असलियत क्या है, लिखा क्या है, कानून क्या है, तो जब तक सारी चीजें उनके पास टेबल पर नहीं होंगी तब तक लीगल ओपिनियन, क्योंकि इन्हीं सब चीजों पे बेस्ड है, कोई भी एक पॉइंट अगर उसमें गायब है, कोई डॉक्यूमेंट उसमें गायब है, तो एक डॉक्यूमेंट भी केस को इधर से उधर कर देगा, एक गायब पॉइंट भी केस को इधर से उधर कर देगा, फिर जो वो ओपिनियन अपना दे रहे हैं उन्हें तो उस चीज का पता ही नहीं है, वो तो जो चीजें उनके सामने हैं, जो आप बता रहे हो, जो दिखा रहे हो, वो तो उसके बेस पे ओपिनियन दे रहे हैं। तो केस के सारे फैक्ट, सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ, सारे ऑर्डर्स की कॉपी हमेशा अपने पास रखना शुरू करो, और जब भी आप किसी वकील से कोई केस लड़वाएं, कुछ भी करें, तो हमेशा ये आदत बनाइए कि आप अपने वकील साहब से हर चीज की फोटोकॉपी लेके अपने पास रखते रहिए, ताकि जरूरत पड़ने पे कभी भी आप किसी सेकंड वकील के पास जाना पड़े तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप उनसे मांगेंगे, फिर उन्हें बुरा लगेगा, और क्या पता उन्हें बुरा ना भी लगे तो वो फाइल कहीं पे रखी हो, उसको मिलने में ही 10 दिन लग जाएंगे आपको।